तो ऐसे कलयुग में पत्नियों के समय में अदिति कैसी है देखिए, अदिति कैसी है, हा? पूर्ण गर्भ में भी पति की सेवा करने, अब वो भोजन करें पति ना कहें कि भाई तू मत बना भी, अभी ये एक दो दिन में प्रसूति होने वाली है, इस समय में तुझे ये नहीं करना चाहिए, इससे गर्भ का भी अहित हो सकता है, तू शांत बैठ। नहीं, मैं जो प्राणनाथ शब्द बोला तब ये कथा याद आई बंसीलाल जी की मुझे, कि उस जमाने में पत्नियां प्राणनाथ बोलती थी जैसे ही पति को देखती, अब तो देखते ही बोलती है तेरी माँ राक्षसी है, ये जमाना कलयुग वाला आया, ये समझाने के लिए ये बात मुझे कहना पड़ा। लेकिन अदिति बड़ी पुण्यशालिनी अपने पति की सेवा करती है, तो धर्म देवता को मन में आया कि ये अदिति की परीक्षा लूँगा, खाली पति की ही सेवा करती है कि धर्म की भी सेवा करती है। लेकिन अदिति तो यही सोचती है कि पति ही धर्म है, क्या सोचती है, पति की सेवा ही धर्म है, पतिव्रता का काम है पति की सेवा और कुछ नहीं। लेकिन वो सबकी सेवा करने वाली सन्नारी थी, तो धर्म देवता ने एक ब्राह्मण का वेश कर लिया। ब्राह्मण के वेश करके एकदम घर के बाहर खड़े होके भवति भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो माता, मैं गरीब ब्राह्मण आया हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। तो अदिति सुन ली के गद्वार पर कोई आए, सभी देवों की माता है वो अदिति, जितने देवता देवों की माता अदिति है, राक्षसों की माता दीति, दोनों बहनों, वो कहानी बाद में कभी सुनेंगे, ये सब कहानी समय समय पर सुनना, आपका भी उम्र 100 है, मेरा भी 100, सुनते जाएंगे उसमें आप अपन सुनते जाएंगे। लेकिन अदिति सोची कि मैं कैसे ये दरवाजे ये साग सब डांक के जाऊंगी, गर्भ बहुत बड़ा हो गया, अब मैं नहीं डालूं भिक्षा तो भी आए हुए अतिथि की सेवा नहीं करूं, ये दोष लगेगा, और जाऊं तो कैसे जाऊं। अभी वो धर्म देवता तो परीक्षा लेने ही आए थे, उधर खड़े खड़े गुस्सा आ रहा है कि अभी तक नहीं आ रही है, मेरी सेवा नहीं कर रही है, पति की तो पढ़ पढ़ के सेवा कर रही है, उसके मन में तो सेवा करने की भावना है, वो ये डर रही है कि थोड़ा पैर फिसल गया तो मैं गिर जाऊंगी ना, गर्भ का बच्चा कहीं नीचे पड़ जाएगा, वो डर के मारे वो घबरा रही है। उसने क्या किया, रसोई घर में दो चावल और फल रखे थे, एक आम ली और थोड़ा चावल लिया और थोड़े सब चीजें ले ली और एक थाली एक हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ से धीरे धीरे दीवार को पकड़ के बाहर आने लगी। इतने में लंबा समय हो गया, अब उसने देखा कि सीढ़ियां भी है नीचे उतरने के, वो ब्राह्मण ऊपर नहीं आ रहा है। पहले जमाने में ये जो भिक्षा लेने वालों का आदत था, घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, बाहर खड़े होके ही लेते, तो इसके घर का चबूतरा, चबूतरे के नीचे सीढ़ियां, सीढ़िए के बाहर वो खड़ा है, ये अब सीढ़ी उतरे तो कैसे उतरे, कल सुबह प्रसव होवे जैसा अवस्था, ये कैसे उतरेगी। तो इसने वहां खंभा पकड़ा, धीरे से पैर रखा, इतने में ये धर्म देवता को गुस्सा आ गया, पति की तो पढ़ पढ़ के तू सेवा कर रही है और मेरी सेवा नहीं कर रही है, और मेरे लिए एक घंटे से मैं खड़ा हूं ना, तू धीरे धीरे आती है मेरे ऊपर, मेरे को खाना देने में इतना विलंब कर रही है, यही तेरा धर्म है, तेरा बच्चा मर जाएगा पेट में, मृत अंड हो जाएगा, वो अंड है ना पेट में बच्चे का, वो मृत अंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या ना मरा हुआ अंड हो जाएगा, यानी अंदर का बच्चा है पिंड मरा हुआ निकलेगा, मृत अंड यानी मरा हुआ अंड, मरा हुआ पिंड, श्राप दे दिया। सुनते ही जिसके लिए 10 महीना जीवन लगा के बैठी थी, एक माँ को क्या चाहिए भाई बोलो, अपने पेट का बच्चा सुरक्षित निकले और वो आगे जीवन पाले और वो बच्चे को जीवन में सब खुशी मिले। बच्चा हो गर्भ में आने के बाद तो महिलाओं को पति के प्रति भी प्रेम कम पड़ जाता है, प्रेम किधर आ जाता है, बच्चे पर आ जाता है, वो बच्चा ही अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। सुनते ही मेरा बच्चा मर गया, उधर से ब्राह्मण वेश में आए, धर्म देवता गायब हो गए, श्राप दे के गायब, रोई वहीं बैठ गई नीचे, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चे के बगैर मैं कैसे रहूंगी,
हे मेरे लल्ला, तू मर गया रे, 10 महीने से तुझे मैं पेट में लेके घूमी, कितनी प्यार से सपने देखती थी, मेरा बच्चा आएगा, खेलेगा, झूलेगा, पालने में पड़ेगा, मैं उसको लोरी सुनाऊंगी, मेरा बच्चा, रो रही। पति को घर के अंदर आवाज सुनाई दे दी कि पत्नी रो रही है। तुरंत पति उठ के घर के बाहर आए। कश्यप ऋषि बाहर आके देते हैं तो अदिति दरवाजे पर ही बैठ के रो रही है। क्या हुआ अदिति, क्या हुआ? अरे ये ब्राह्मण भिक्षा लेने आए, और भिक्षा लेने आए तो मैंने सोचा भिक्षा देना है इनको, बेचारे इतने दूर मेरे घर के सामने आए, खाली नहीं जाना, तो मैं थाली में आम और चावल घी डाल के ले आ रही थी। मैं सोची बच्चे को तकलीफ ना पड़े, धीरे धीरे आ रही थी तो उनको गुस्सा आ गया, मैं धीरे में आई तो उन्होंने शाप दे दिया कि तेरा बच्चा मरा हुआ जन्मेगा, मृतंड होगा। मेरा बच्चा मृतंड हो गया, मैं क्या करूं, जोर जोर से रो रही। कश्यप ऋषि कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा जो अंड निकलेगा वो बाहर से मृत अंड होगा, और उन्हीं के श्राप को वरदान करता हूँ, उसके अंदर से हजारों करोड़ तेज प्रकाश से एक बच्चा निकलेगा, वो इतना सुंदर और तेजस्वी होगा कि उसको कोई आंख से देख भी नहीं पाएगा, इतना प्रकाश उसके शरीर से निकलेगा, ये मेरा वरदान है तेरे को। और अगले दिन ही अदिति को बच्चा हो गया, अंड मृत निकला, और फूटा तो अंदर से ऐसे तेजस्वी प्रकाश निकला, भयंकर प्रकाश, कि आसपास देवता भी देख नहीं पाए, ऐसे प्रकाश। वही बच्चा सूर्य भगवान बनके सूर्य नारायण, अदिति को जन्मे यही बच्चा सूर्य बनके भुवन भास्कर बनके तीनों लोकों को रोशनी, जीवन शक्ति और प्राण देने वाली ऊर्जा बनी। मृत अंड होने से इनका ही नाम मारतंड हुआ। आप बोलते हो ना मारतंडाय नमः, ओ मृत अंड का श्राप मारतंड बना दिया। आज कोई भी बड़ा आदमी हो, राज मारतंडाय नमः बोले, मारतंड याने बहुत बड़ी शक्ति। देखो अगर हमारी सेवा भक्ति सच्ची होगी तो श्राप भी वरदान बन जाएगा। जो श्राप दिया नहीं होता तो साधारण बच्चा जन्मता, और श्राप देने के कारण कोटि सूर्य प्रकाश से सूर्य देव का जन्म हुआ वहां पर, इनका जन्म हुआ। तो आज उन्हीं का जाप मृत अंड से वो क्या बन गए, मारतंडाय नमः जाप आज करने का दिन हमारे पास आ गया। कौन सा जाप करना है, मारतंडाय नमः, क्या जाप करना है?